हेलो स्टूडेंट वेलकम टू मै मेहता एजुकेशन चैनल यू कैन चेंज द वे ऑफ योर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट अब कंडक्टर कैसे अपोज करता है करंट को वेल इन कंडक्टर कुलीजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद पॉजिटिव आय ऑफ कंडक्टर एक्ट एज अस अब जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतने ही चार्जेस को कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना ही रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा जैसे रोड पे स्पीड ब्रेकर हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करते हैं वैसे ही कोलिजन करंट के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हैं वेल बात करें यूनिट्स की तो वो तो आपको पता ही है ओहम इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग Electrical resistance. So, first factor is length of conductor. Well, resistance is directly proportional to length of conductor. जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही चार्ज को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा और जितना ज्यादा डिस्टेंस उतने ही ज्यादा कोलिजन होंगे एज अ रिजल्ट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब हम इसे इस तरह समझ सकते हैं एक सिंगल रोड है और एक हाईवे आप किस रोड पे कार तेजी से चलाओगे ऑब्वियसली हाईवे पे क्योंकि हाईवे का एरिया खुला है और इसलिए ट्रैफिक हमें कम मिलेगा इसी तरह जब कंडक्टर का एरिया ज़्यादा होता है तो कुलीजन के चांसेस कम हो जाते हैं और जितने कम कलीजन होंगे उतना ही रेजिस्टेंस भी कम होगा इसलिए रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और अगर मैं इनको कलेक्टिवली लिखूं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर मैं रिमूव करूं तो यहां पे कांस्टेंट आएगा रो विच इज नोन एज रेजिस्टिविटी या इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं एंड दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल नॉट ऑन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर इसका मतलब अगर दो कंडक्टर सेम मटेरियल के बने एक की लेंथ बड़ी है या एरिया बड़ा है दूसरे की लेंथ छोटी है तो रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी क्योंकि रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि किस टाइप के मटेरियल की बनी है और अगर दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के हैं तो रेजिस्टिविटी भी सेम ही होगी अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस की वेल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू कंडक्टर कि कितना ईजली करंट कंडक्टर में से फ्लो करता है अब जितना रजिस्टेंस कम होगा उतना ही ईजिली करंट फ्लो करेगा दैट मीन्स कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल होगा रिजिस्टेंस के कंडक्टेंस इज रिप्रजेंटेड बाई जी सो कंडस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस अब अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट रेजिस्टेंस के होते हैं ओह इसके यूनिट होंगे ओह इनवर्स या इसको मोहो भी लिख सकते हैं पीछे से एम एच ओ और यहां से एक और टर्म ड्राइव होती है डेट इज कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ resistivity so sigma is equal to 1 by rho. let's move on to our next topic vector form of ohm's law here i have a conductor of length l and area of cross sectional a and e is the magnitude of electric field in the conductor नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनटू लेंथ एल आल्सो बाय ओह लॉ वी इज इक्वल टू आई आर और अभी हमने आर की वैल्यू निकाली आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए सो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो E इन टू एल इज इक्वल टू आई रो एल अपॉन ए ये L के साथ L कैंसिल हो जाएगा सो ई इज इक्वल टू आई रो बाय और I बाय ए क्या होता है हमारा करंट डेंसिटी J, सो so E इज़ इक्वल टू जे रो यहां से J की वैल्यू आएगी वन बाय रो ई और वन बाय रेजिस्टिविटी क्या होती है कंडक्टिविटी सो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई और अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो जे विच इज़ करंट डेंसिटी इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ आल्सो वी कैन से माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ डिडक्शन ऑफ ओहम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट फिलासफी So, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई ई टॉ बाय एम, वेर इज इलेक्ट्रिक चार्ज कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड टॉ इज योर रिलैक्सेशन टाइम एंड एम इज मास ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। आल्सो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई एन ई ए इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो आई की वैल्यू आएगी एन ई ए टो बाय तो इसको सिंप्लीफाई करें तो एन ई का स्क्वायर ए ई टो बाय एम आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू पोटेंशियल ओवर लेंथ तो यहाँ पे ई e की जगह v बाय एल अब इस एक्सप्रेशन से v की वैल्यू निकालते हैं तो v आएगा हमारा एम एल इस साइड पे आ जाएगा और ये एन ई स्क्वेर ए टो इस साइड पे अब ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आल्सो फ्रॉम ओहम्स लॉ v इज इक्वल टू आई आर एंड आर इज योर कॉन्स्टेंट तो अगर सारी फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहे लाइक like टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तो ये ब्रैकेट वाली टर्म एम एल एन ई ए टो ये सारी चीजें भी कांस्टेंट रहेंगी क्योंकि एम तो मास है वो तो वैसे ही कांस्टेंट रहेगा एल लेंथ वो भी वैसे ही कांस्टेंट है ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और ए एरिया ये तो इंडिपेंडेंट तो है तो अगर नहीं चेंज होगा तो ये टर्म्स इक्वल टू आई आर होता है और R आर कॉन्स्टेंट होता है और यहां पे हमारी ये सारी चीज कॉन्स्टेंट है दैट मीन्स आई कैन राइट दिस टर्म एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय एम एल

इस आर की वैल्यू को यहां पे सब्सटीट्यूट करते हैं एम एल एन ई स्क्वायर ए टो एल एल के साथ एल कैंसिल ए के साथ ए कैंसिल सो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज गिवन बाय एम बाय एन ई स्क्वायर टो अब अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो तो रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ